और हम लोग आ गए अपने लोथल में। क्या है भाई? हाँ लखीड़ हुआ था मैं यार। Hey guys, we are back to another vlog. मेरा नाम है राहुल, नाम तो सुना ही होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं लोथल और गणपतपुरा, तो वहीं पर जाकर मैं आपको अच्छे खासा सीन दिखाऊंगा। पहले भी निकल रहे लोथल के लिए। अच्छा तो अपने त्या जा रहा, जब नाम बोलो लोथल 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 किलो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सिंधु खिंड की संस्कृति जो हम यहाँ से रहते हैं तो 25 किलोमीटर है, तो हम लोग जा रहे हैं लोथल। लोथल में तुमने भी जैसे जो आ माँ बोल जो मैं तुमने हमने बताया था एक सीन खोद काम खोद काम भाई बीजू शू शू आई है अवशेष बधाई निकल नहीं अवशेष पची पची इतनी पुरातन संस्कृति हम लोग वहीं पर गए नहीं है तो पहली बार जा रहे हैं। आम जो ना बजे डोहा मैंने उनको बोला था कि मैं आपको लेकर जाऊंगा, तो आज टाइम मिला है हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा सिंधु खिंड की संस्कृति जो आप लोग 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे तो वहीं पर आपको दिखाई दे रही होंगी सिंधु खिंड की संस्कृति में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, वहीं पर जाएंगे तभी पता चलेगा। क्या बोलते डोहा? बराबर। हाँ तो फिर जाते हैं वहीं पर। और मार दे यहाँ जाऊँ आप क्या जाऊँ मणिरत्न तो कही गई होगा फरी कोई बार फरी वाला आयता फरी वाला आयता जैसे आप फरी हूँ आईस 2 महीना पहले उन्हाला मत क्या ना 2 महीना यू लागे बच्चे बच्चे आई जाए भाई द्वारका भी जवान हो द्वारका फरवा। चलिए अभी बातें तो हो गई, अभी चलते अपने होम स्क्रीन नहीं आ गए अपने लोथल में। क्या है भाई? लखीड़ हुआ था मैं यार। और हम लोग आ गए अपने लोथल में। बड़ा कोमरा है ऐसा नहीं कैसे ऐसे झाड़ जंगल है घने जंगल है तो फिर क्या ही हो सकता है। आगे देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही है और जो भी चीज़ें आएगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। पीछे एक तालाब है, मैं नहीं बताऊँगा। ये रहा जिस तालाब के बारे में मैंने आपको बताया था, वो तालाब ये रहा। व्लॉग बना व्लॉग आवे ने बराजा ये भाई बोल रहे हैं इसके अंदर हॉल किया हुआ है क्या? मैंने बोला टैलेंट है। बड़ा हरामी हो बेटा। गजब बेइज्जती है। मजा आया। Once more. छेले मैच में यार हारे जाए ना मजा आई। अता हूँ 10-10 जीत्या था। हरवान विचार था वर्ल्ड कप फाइनल होती। इमो थोड़ा हारे जाए पाऊँ तो है वो।
दुर्ग क्षेत्र मन के पट्टे नगर क्षेत्र आ बाड़ा अपना खेतर में हुए ये क्या चीज है बे, कब्रिस्तान तो नहीं है, मतलब कुछ ऐसी जगह है जो 5000 साल पहले की है। और वैसे आपको सिंधु की संस्कृति पता ही होगी कि क्या क्या होता है, ये सब नगर रचना की थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी मैं जो खड़ा हूँ मैं भी यहाँ पर कुछ कब्रिस्तान ऐसा कुछ लिखा तो नहीं गया, मिट्टी के भट्टे वहाँ पर हमने देखा था ना कि क्या है, तो मिट्टी के भट्टे यहाँ पर कुछ काम काज होता होगा। और उधर भी एक जगह है तो वहाँ पर मैं जाऊँगा। चलिए अभी हम लोग उधर जाते हैं, वहाँ पर कुछ बोर्ड दिखाया गया है, वो रहा बोर्ड। सुख आ जाओ, यहाँ क्या बात है ऐसे? हाँ तो मकान ना नाम है तो खाली ईंटो देखा है। तो यहाँ कहीं बोर्ड भी नहीं है अपन पे, मतलब यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं उनका मकान भी है, तो यहाँ पर तो सिर्फ ईंटे ही दिखाई दी गई है कुछ। क्यों लागू तुम नहीं है तो आप लागू आप वाले अपना खेतर में ना जो ये पहली बाजू से आ बाजू नहीं मोहा मिट्टी के बर्तन और भी कई सारे सामान यहाँ पर मिले तो वो तो वहाँ पर म्यूजियम में हमको दिखाई देंगे, वो लोग यहाँ पर थोड़ी रखेंगे, म्यूजियम में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम में, यहाँ पर क्रिकेट अच्छी तरह से खेल सकते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताओ। ऐसा तालाब तो अहमदाबाद में भी है, काकरिया, मैंने आपको दिखाया था। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये रहा कुआं जिसको जाना हो जा सकता है, मोबाइल तो नहीं जाएगा अंदर लेकिन वीडियो फुटेज अच्छे से आ जाएगी। है इधर देखने का है। सब देखा क्या सब पंखा कर दो करो काम गुजराती बोलो गुजराती अंदर गुजराती बोलो तुम तो भाई आए जो बजे आया जैसो खोजा काम में तड़ाओ बीजू वो काम ना रात काम थोड़ी ज्यादा है। वहाँ चलो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये तो मैं ले ली थी पर मैं सुन लख दो बेस दो को तो खरा हिंदी में रखेंगे तो मैं एक्सप्लेन करो इन गुजराती में बोलो जल्दी नहीं बोलने गजब बेइज्जती है कंट्रोल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम लोथल पुरातन संग्रहालय अभी हम लोग अंदर जाएंगे। मरम्मत कार्य हेतु संग्रहालय बंद है, म्यूजियम इज क्लोज ड्यू टू रिनोवेशन वर्क, समरकम मटे संग्रहालय बंद है। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस निकलने वाले घर पर एक बार देख ही लेते, यहाँ पर आ ही गए तो चलो डो जल्दी। ये बढ़िया था गुरु। ये रहा संग्रहालय पर अभी तो बंद है। मेरे पीछे आपको ये संग्रहालय दिख रहा होगा लेकिन अभी मैंने जैसे आपको पहले ही बोला मरम्मत करने के लिए बंद है, मैं यहाँ से बाहर ही हूँ। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ सकते हो, इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर चला रहा हूँ। लोथल एक परिचय,
और इंट्रोडक्शन, एक और इंट्रोडक्शन लोथल के बारे में, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। पहले यहाँ पर ऐसा कुछ था, मे बी देखो यहाँ पर लोथल के पहले की पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कई सारे घर है, और लोथल की जो उसके परिभाषा में आपको समझाऊँ तो वो अपने नदी और नहर के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे, क्योंकि उनकी नगर रचना ऐसी थी कि वो लोग पानी को अच्छी तरह का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में। બોલો કેવું લાગ્યું તમને લોથલ? ટોપ ટોપ શું લાગ્યું? પણ કઈક આ જાણવા ના કોજેલો ના બજે તડો આ બધું જોવા મનાય છે. એક લાંબો કરે આપડે ખેતર માં નતું હતું મતલબ યાદ ના જોઈ લે ત્યાંથી આપણે જોઈ નઈ એવડા સાવા કાર્યરત છે. એ તો અંદર પેલા બોર્ડ તો માર્યું હતું કે ભાઈ આ લોકો સમાર કામ નું કામ ચાલે છે ને અહીંયા, એટલા માટે બંધ રાખ્યું. મ્યુઝિયમ મ્યુઝિયમ છે જે યહાં પર જો ભી પુરાની ચીજે મિલી હે ઉસકા મ્યુઝિયમ યહાં પર હે, લેકિન કે સમારકામ કી વજહ સે બંધ હે. જૈસે મેં આપકો પહેલે હી બતાયા, દો તીન મહિને મેં રેડી હો જાયેગા, ફિર હમ લોગ જાયેંગે અંદર દેખને કે લિયે, અગર યહાં પર આઉંગા તો. ડુડુહા બીજાર જવું છે ને આપણે અંદર? લાગે તાપ માથે ચડ્યો. એ રહી ટિકિટ બારી. ચલે લોથલ કા તો વ્લોગ બન ગયા. અભી હમ લોગ જા રહે ગણપતપુરા, ફિર આણે જાયેંગે. કાલ ના મને કે મને લોથલ જવ લોથલ જવ લોથલ. મેં તમને પેલા ફોટા તો બતાવ્યા હતા લોથલ ના, બતાવ્યા કે નતા બતાવ્યા? હા હવા માં તો ફોટા બતાવ્યા તમને. મેં એનકો પહેલે બોલ દિયા કે લોથલ મેં કુછ લોથલ કે કુછ તસવીર મેં દિખા દી કે એસા દિખતા હૈ. બોલે નહીં હમકો જાના હી હૈ જાના હૈ. અરે યહાં પર અકળા ગયે. તાપ માતા સાડ્યા જા મસ્ત જોક મારા રે. ચલો ડોહા નીકળું ના હોય. કઈ બાજુ? પછી ગણપતપુરા પછી ઘરે. ચલે ભી મિલતે રાસ્તે મેં. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind. अभी हम दोनों अरनेज में आ गए और ये रहा अरनेज का एंट्री गेट. इस मंदिर के बारे में मैंने एक ब्लॉग में बताया था, अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो मैं मेरे आई बटन में दे दूंगा, वहीं पर जाकर आप देख लेना. ये रहा बुद्ध भवानी माता मंदिर. वैसे मैं यहाँ पर पहले भी एक बार आ चुका हूँ तो उस वो वाला ब्लॉग में मैं मेरे आई बटन में दे दूंगा, आप वहीं से जाकर देख लेना. जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब यहाँ पर कोई रिनोवेशन का काम नहीं चल रहा था. अभी तो लगता है रिनोवेशन का काम चल रहा है. और एक काम करते हैं कि हम लोग दादाजी की अच्छे से फोटो ले लेते हैं.
एंड शूट। दिवाली के टाइम पर हर एक छोटे बड़े मंदिर में भीड़ लगी रहती है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि दिवाली के बाद ही यहाँ पर आएंगे और आ भी गए। मंदिर का लुक बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक बार आ चुका हूँ, मैंने इस मंदिर की एक और वीडियो बनाई थी जो मैं मेरे आई बटन में दे दूंगा, तो वहीं पर जाकर आप देख सकते हो। अभी तो फिलहाल दर्शन हो गए, अभी हम लोग जा रहे हैं गणपतपुरा। यहाँ दुकान के बाजू में बड़ी सी दीवार थी जो भी तोड़ दी गई और रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर। गणपतपुरा का मेन बाजार भी यहीं से शुरू होता है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग गणपतपुरा आ गए, बोलो। हमने गणपतपुरा गया दर्शन करवा दो। गणपतपुरा में हम दर्शन करने के बाद प्रसाद लेने के लिए जाएंगे अंदर। ये रहा, और ये रहा मंदिर का एंट्री गेट जो बहुत ही बड़ा है। चप्पल निकाल दिए। थोड़े दिनों के पहले ही दिवाली खत्म हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा भीड़ भाड़ दिख नहीं रही है। वैसे तो मैं यहाँ अरणेज और गणपतपुरा पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मैं अंदर के फोटो नहीं ले पाया, अंदर के कुछ भी वीडियो नहीं बताऊँगा, क्योंकि अंदर एक सख्त मनाई की गई है कि आप लोग अंदर के फोटो और वीडियो नहीं ले सकते। तो हमको जब भी कोई भी मंदिर में जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, उसके बाद ही आप लोग फोटो खींच सकते हो। वैसे मैंने जब भी पहले भी जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने कुछ ब्लॉग बनाया था, वो आपको मेरे यहाँ पर आई बटन में दिख जाएगा, तो जाकर देख लेना अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो। वैसे तो एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही रहा, जब भी आते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आती है। क्या बोल कर रहा क्यों लागे प्रसादी प्रसादी ले ली मंदिर की प्रसादी भी ले ली और थोड़ा बहुत आराम करने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं अपने गांव, मतलब बैक टू पवेलियन। ये रही प्रसादी के लिए लाइन लगी है वहीं पर। मंदिर के बाहर थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं, और यहाँ से मंदिर का व्यू बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। क्या आप लोग यहाँ पर पहली बार आ चुके हो या फिर नहीं, कमेंट में मुझे बताओ। या फिर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो फिर गूगल मैप में जाकर सर्च करना गणपतपुरा, तो आपका पूरा लोकेशन मिल जाएगा। ये रहा एंट्री गेट। अगर आप लोग अपने साथ छोटे बच्चे को भी लेकर आते हो तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, रिसाएंगे। ये रहा गणपतपुरा का मेन बाजार, जहाँ पर आपको खिलौने से लेकर प्रसादी कई सारी छोटी बड़ी चीजें मिल जाएगी, तो आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पर। रास्ते में एक होटल आए तो हम लोगों ने सोचा कि नाश्ता कर लेते, तो आ जाए किसी को पता तो है नहीं, तो नाश्ता कर लिया। नाश्ते में हम लोगों ने कॉर्न खाया, बटर स्कॉच कॉर्न। yeah.
चल अभी नाश्ता वास्ता तो हो गया, अभी हम लोग निकलते अपने घर के लिए बैक टू पवेलियन। वैसे कल तो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक आध मैच हारे होते तो पता चलता कि सिचुएशन में करना ही भी मैच हारे नहीं और लास्ट में फाइनल में हार गए, मतलब पनौती लगी हुई पड़ी है। जब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में भी थे तो फाइनल में भी पाकिस्तान के सामने आ गए, थोड़ी कांटे की टक्कर होनी चाहिए, क्या बोलते हैं आप लोग? और हुई नहीं, कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हार जीत तो रहती है। दसबारा का खला मेरा हमारे एक्सेस। जब यहाँ पर डांगर नहीं होते तब हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। ये रहे हमारे डांगर, पूरे गांव के लोगों ने यहाँ पर डांगर सूख दी है। अपना एक रूटीन सा बन गया, इस चाबी को यहाँ पर लटकाना है, इधर इधर गिराना इस जगह पर, देखते कितनी ड्राई में अंदर जाता है। सिट 30 नाउ। ये रही अपनी की 15 ट्राई में अंदर चली गई। पहले ऐसा होता था कि मैं सिर्फ एक बार ऐसा डालता था अंदर चली जाती थी, ऐसे एक बार। अभी आई कैप के बारी, 1 की और टोपी और चाबी अंदर चले गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का यह व्लॉग देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अभी मैं घर जाऊंगा, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलूंगा, फिर एक वेब सीरीज़ ख़त्म करनी है, उस वेब सीरीज़ ख़त्म करने के बाद वीडियो को एडिट करना है। चलिए फिर अभी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।